बलदेव की वजह से होगा क्रिश और बिंदिया का डिवोर्स। क्रिश को हुआ अफसोस। कल इस टीवी शो सुहागन के एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि क्रिश बार बार बिंदिया से डिवोर्स लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि बिंदिया डिवोर्स नहीं चाहती थी तो दोनों का डिवोर्स होना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब बिंदिया पर गलत आरोप लगे तो बिंदिया घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन वो डिवोर्स का मामला अभी भी वहीं पर है। ऐसे में जब बलदेव बिंदिया को घर वापस लेकर आता है तो बलदेव चाहता है कि बिंदिया अधूरे रिश्ते में ना रहे। बलदेव बिंदिया की ओर से डिवोर्स फाइल कर देता है। घर में वकील की एंट्री होती है और वकील आकर कहते हैं कि बिंदिया और क्रिश का डिवोर्स होना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्रिश नहीं बल्कि बिंदिया ने भी अपनी ओर से डिवोर्स मांगा है। सबसे पहले यहाँ पर बिंदिया बोलती है कि मैंने तो डिवोर्स फाइल नहीं किया, तो आखिर ये किसने किया है। अब यहाँ पर क्रिश के पापा कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी एक ऐसे रिश्ते में रहे जहाँ पर उसे सम्मान ना मिले। तो बेसिकली अब बिंदिया और क्रिश का डिवोर्स होने वाला है, लेकिन इस बात को जानकर अब क्रिश को अफसोस हो रहा है। क्रिश अब बिंदिया से अलग नहीं होना चाहता है। देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या इस बार क्रिश डिवोर्स से पीछे हट जाएगा। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।